नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता। पाकिस्तान को शहबाज शरीफ के तौर पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मिल चुका है। आप जानते ही हैं, चुनाव हुए थे और उसके बाद गठबंधन की सरकार बनी है जिसमें शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार तय किया गया था और अब उन्होंने सोमवार को प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ भी ले ली। अब जब पाकिस्तान में ये बदलाव हुआ तो उसके बाद इसका असर दुनिया के बाकी देशों पर पड़ना लाजमी था और ऐसे में भारत ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट करते हुए शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनने की शुभकामनाएं दी है। नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा, शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए बधाई। नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जैसे कुछ लोग इसे सही बता रहे हैं जबकि बहुत सारे लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब इस पर मीम्स भी बन रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अगले टर्म में यानी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान पर कोई एक्शन लिया जा सकता है। इस तरह से मीम्स बन रही हैं। देश हो या विदेश हो, भारत पाकिस्तान पर चर्चा लगातार होती रही है और एक बार फिर से हो रही है। अब आपको पाकिस्तान की सियासत से थोड़ा बहुत रूबरू करा देते हैं। देखिए, शहबाज शरीफ ने सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। 2022 के बाद दूसरी बार वो देश की बागडोर संभाल रही हैं, यानी कि दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इसके अलावा आपको बता दें, राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने राष्ट्रपति भवन एवान ए सदर में एक समारोह आयोजित हुआ था जिसमें 72 साल के शहबाज को पद की शपथ दिला दी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरा गठबंधन हुआ है शहबाज शरीफ की पार्टी का और इसी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी का। इस गठबंधन की तरफ से संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर शहबाज शरीफ का नाम आगे किया गया था। 336 सदस्यीय सदन में गठबंधन को 201 वोट मिले थे जो सदन का नेता बनने के लिए आवश्यक मतों से 32 ज्यादा है। बात करें इमरान खान की पार्टी की तो वो इस पूरी रेस में पिछड़ती हुई नजर आई है। कहा जा रहा था कि इमरान खान और उनके समर्थक इस बार सरकार बना लेंगे लेकिन बहुत सारे आरोपों में वो घिरे हुए हैं और इसीलिए इमरान तो दूर दूर तक भी इस रेस में दिखाई नहीं दिए। बात नवाज शरीफ की करें तो उन्होंने भी इस पद को नहीं चुना, अपने भाई को आगे कर दिया है क्योंकि वो भी इस वक्त घिरे हुए हैं। बहरहाल पाकिस्तान में ये बड़ा बदलाव हुआ है लेकिन शहबाज सरकार में पाकिस्तान ने क्या ग्रोथ की क्या ग्रोथ नहीं की ये आप भी जानते हैं और हम भी, कोई नई बात नहीं है कि ऐसे वक्त में वो प्रधानमंत्री बने हैं जब वहां पर भुखमरी के हालात हैं, कंगाली की कगार पर पाकिस्तान खड़ा है। और जब वो पिछली बार प्रधानमंत्री बने थे तो भी यही हालात थे, पिछले टर्म में कुछ नहीं कर पाए। देखना दिलचस्प रहेगा पाकिस्तान को किस नए मोड़ पर शहबाज शरीफ लेकर जाते हैं। नरेंद्र मोदी की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया गया है लेकिन ऐसा ना हो कि शहबाज शरीफ फिर से कश्मीर का राग अलाप कर एक बार फिर से भारतीयों का गुस्सा फिर से उबाल कर दे। खैर, आप बताइए इस खबर को लेकर और मोदी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं। बाकी जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे।